हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अध्याय गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, आज हम गर्मियों में लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये खाद की विशेषता क्या है, दोस्तों इस वीडियो में आप इसको जानेंगे और इसका जो तरीका है देने का पौधों का वो भी जानेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूनिक है। दोस्तों, ये खाद बनाने का तरीका और जो मैं शेयर करूंगा आपसे इसको देने का तरीका आपके पौधों को दोस्तों बिल्कुल इतना शक्तिशाली बना देगा कि वो अपनी बेस्ट जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो अच्छी लीव्स हो, चाहे वेरिगेशन हो उनमें, चाहे फ्लावरिंग हो, चाहे फ्रूटिंग हो, बेस्ट देंगे दोस्तों, दी बेस्ट। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम लोग आपको याद दिलाना चाहूँगा अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियोज़ देखें, ढेर सारी वीडियोज़ अवेलेबल हो रही। मैं हूं अयोध्या से रवि प्रकाश। दोस्तों, ये जो खाद देख रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसकी एक अनुपम विशेषता है। अनुपम विशेषता ये है कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का एक मिक्स तैयार है। दोस्तों, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मिक्स तैयार है। दोस्तों, इसमें मैंने मिलाया क्या है, ये आप देख रहे होंगे, लगभग 10 लीटर की बाल्टी है ये। इसमें दोस्तों पानी तो है ही है, पानी पूरा भरा मैंने। इसको बहुत ही शक्तिशाली खाद और मिनरल्स पौधों को देने के लिए मैंने तैयार किया। इसमें दोस्तों लगभग कह सकते हैं कि 200-250 ग्राम कीलें पड़ी हुई हैं, कीलें लोहे की कीलें पुरानी पड़ी हैं। आपके भी घर में अगर पुरानी कीलें ही नहीं, कोई भी सामान पड़ा हो जिसमें जंग लगा हो, तो आप इसमें डाल सकते हैं, इस तरह तैयार कर सकते हैं। उसको एक जगह रखिए, जब भी आपको तैयार करना हो आप उसमें पानी में डालिए, तो उसका आयरन पानी में आ जाता है। और आयरन के कितने लाभ हैं दोस्तों, इसकी चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। इवन आप कोई भी वीडियो उठा के देखें, अगर उसमें चर्चा हुई है आयरन की महत्व की, तो ज़रूर मैंने रेखांकित किया है कि आखिर आयरन करता क्या है। ये फंडामेंटल जो नीड्स होती हैं पेशेंट को, उसको रेगुलराइज करता है। दोस्तों, फोटोसिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल है, पत्तियों के खिलने में बड़ा रोल है दोस्तों। तो ये आयरन पानी को, पौधों को मिले, इसलिए इसमें मिलाया। इसके अलावा दोस्तों मैंने क्या मिलाया, ये आप देख रहे होंगे चाक की स्टिक पड़ी हुई है, लगभग 10 स्टिक मैंने इसमें डाला है। 10 स्टिक कैसे डाला दोस्तों, उसको बहुत बारीक पाउडर बना के आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, कैल्शियम जो है इस चाक के स्टिक के रूप में बहुत लेट डिजॉल्व होता है। अगर आप रिपोर्टिंग कभी करेंगे, आपने 3-4 महीने पहले भी डाला होगा पूरी की पूरी स्टिक ऐसे बिना पाउडर बनाए, तो आप जब अगर आप मिट्टी उसको निकालेंगे तो आप पाएंगे कि वैसे पड़ा हुआ है या बहुत कम उसका डिजॉल्व हुआ। दोस्तों, इस वक्त जब पौधे ग्रोथ करना शुरू कर दिए हैं, पौधे जब ग्रोथ करना शुरू कर दिए हैं सारे दोस्तों, उनमें क्या हो रहा है कि जड़ें एक्टिवेट हो रही हैं, जड़ें एक्टिवेट हो रही हैं। वही जड़ें ही डॉर्मेंट में चली जाती हैं, जिससे पौधे चले जाते हैं, क्योंकि जड़ें अकड़ जाती हैं मिट्टी के अंदर, ठंडाई से अकड़ जाती हैं। वो इनएक्टिवेट, तो पौधा इनएक्टिवेट, पौधा डॉर्मेंट में चला जाता है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पौधे जो हैं उनकी जड़ें थोड़ा सा एक्टिवेट होना शुरू हो रही हैं। अब ऐसे में दोस्तों, जब पौधे की जड़ें एक्टिवेट होना शुरू हो रही हैं, तो उनको मजबूती चाहिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो चाहिए, तभी वो बेल फल फ्रॉम कर रहे हैं। पौधों में की जड़ों में कैल्शियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनको मजबूत करने में। इस पर भी एक बहुत अच्छा वीडियो बना चुका हूँ मैं, लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, देख रहे हैं लगातार, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे दोस्तों, तो ये उसमें आपको मिलेगा हेडर में। तो इस तरह दोस्तों कैल्शियम का रोल मैंने यहाँ बताया कि इस वक्त जब पौधे अंगड़ाई ले रहे हैं, जड़ें उनकी अंगड़ाई ले रही हैं, तो तुरंत सप्लीमेंटेशन, इसके पहले हम लोग 4-5 महीने से दिए नहीं हैं, क्योंकि पौधे 2-3 महीने तो वैसे ही डॉर्मेंट में थे। तो ये कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त सप्लीमेंट करना, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पौधे बिल्कुल नहीं पाए। अब दोस्तों मैंने कहा था कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मिक्स है, तो इसमें दोस्तों और क्या मिला है, प्याज के छिलके आपको ऊपर से दिखाई दे रहे होंगे, प्याज के छिलके पर भी अलग मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पौधों के खाद एवं फर्टिलाइज़र का जो हेडर है उसमें जाके देखें। ये मैंने मिलाया कितना इस पानी में, 1 किलो का प्याज, 1 किलो का प्याज का मतलब 1 किलो प्याज काट के नहीं, आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में, छिलका है केवल, उसके जो 1-2 लेयर ऊपर जो अपने आप निकल जाता है,
अपने आप जो छिलका निकल जाता है वही मैंने मिलाया है। इसके अलावा 1 किलो आलू का जो छिलका निकलता है काटने के बाद, छिलने के बाद, वो मिलाया है दोस्तों। तो ये दोस्तों एक ऐसा प्रिपरेशन तैयार हुआ है जो कि फर्टिलाइज़र प्लस मिनरल का एक बहुत शक्तिशाली तैयार हो रहा है। इसके अलावा हम इसमें मिलाने क्या जा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए मैंने इसमें एनपीके मिलाया है। इस एक मग में ही मैंने 4 चम्मच मिलाया हुआ है दोस्तों। ये तो बहुत ही है ख़तरनाक है, अगर इसको पूरा डाल देंगे तो। ऐसे में क्या है दोस्तों, इसको हम इस बाल्टी में मिलाएंगे और इसको खूब अच्छी तरह से हिला देंगे। ये इसको मैंने दोस्तों बाद में मिलाया। ये भी बताऊं आपको, ये हमने खाद मिलाई कब इसको दोस्तों, आज रविवार है जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो लगभग सुबह के 7 बज रहे हैं। इसको हमने शुक्र की रात में करीब 7:30-8 बजे पूरा सब मिक्स करके तैयार किया था दोस्तों। 7:30-8 बजे इसको भिगो दिया था। और ये जो NPK है हम इसको अभी मिला रहे हैं, 1 घंटा पहले भिगो दिया ताकि वो डिजॉल्व हो जाए। उसको मैंने नहीं मिक्स किया था दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता, देखा होगा आपने पानी के अंदर मनी प्लांट वगैरह की बॉटल में आप डाल देते हैं तो उसमें फंगस अटैक शुरू हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों हमने उसको इसमें सावधानी के तौर पर नहीं डाला कि तुरंत डालेंगे, तुरंत ही पौधों को सर्व कर देंगे। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा होगा जो मैंने चर्चा की, कितनी पोटेंट फर्टिलाइज़र है ये दोस्तों। अब इसको हम डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट कैसे करेंगे दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये छोटी बाल्टी है, इसमें मैंने पानी लगभग ये कह सकते हैं कि 3 लीटर पानी तो है ही है। 3 लीटर में हम लगभग इसका आधा, डेढ़ मग, एक लगभग 1 लीटर का मग है, ये डेढ़ मग पानी इसका लेकर के इसमें मिलाएंगे। और जो ये छोटी बाल्टी में प्रिपरेशन तैयार होगा वही हम सर्व करेंगे, ना कि अगर आप देखें तो हम इसको ऐसे खूब अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब ये, क्योंकि छान के डालना ही ज़रूरी है, ये देखिए हमने, और इसको जब भी हम लेंगे इसमें हर बार खूब अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। अब हमने डेढ़ लिया नहीं कि एक की नहीं, अब ये हमारी खाद जो है वो सर्व करने के लिए तैयार हो गई। अब देंगे कितना दोस्तों, अब हम देंगे कितना पौधों को जो छोटे पौधों में जो हैंगिंग में प्लांट्स होते हैं उनमें दोस्तों हम केवल आधा गिलास देंगे, और बड़े गमलों में जो करीब 12 इंच से ऊपर हैं या 12 इंच के आसपास हैं उनमें हम 1 गिलास डालेंगे। और बहुत बड़े प्लांटर्स हैं जो उनमें, जैसे ये हमारा बरगद का पेड़ है, आप देखें इसमें भी कलियाँ सब शुरू हो गई हैं, तो इनमें हम लगभग 1 लीटर डालेंगे। ये हमारा गुड़हल का पेड़ है, इसमें लगभग हम 1 लीटर डालेंगे। और दोस्तों एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, ये बांस का पेड़ है, इसमें हम लगभग 1 लीटर डालेंगे। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जितने भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट हैं जैसे गुड़हल हो गया, चांदनी का प्लांट हो गया, आपके पास और भी है, कनेर का हमारे पास है, सदाबहार है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, कलौंचे है, उनमें हम पोटेशियम अलग से सप्लीमेंट करेंगे। पोटेशियम कैसे अलग से सप्लीमेंट करेंगे दोस्तों, केले के छिलका को हम केला लाएंगे 12, उसके छिलके खाली होने के बाद, खाने के बाद छिलके जो खाली होंगे उसको हम काट के, एक एक केला लगभग हर बड़े पौधे में हम उसके मिट्टी के अंदर दबा देंगे। तो और दोस्तों ये पूरा हम वंस इन ए मंथ एक्सरसाइज है, आज हमारा महीने का 2nd Sunday है, तो ये हर महीने हम करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पौधों की जो रिक्वायरमेंट है ना, उनमें कभी फर्टिलाइज़र कम पड़ता है ना फर्टिलाइज़र ज़्यादा पड़ता है, वो एक उनकी साइकिल बन जाती है और उनको मिलता रहता है। जो हम लोग मार्च और सितंबर में 2 बार हैवी फर्टिलाइजिंग करते हैं, सारी मिट्टी रिपोर्ट करते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है, रूट प्रूनिंग करते हैं, सब वंस इन ए ट्वाइस स्टोरी है, एक्सरसाइज है, लेकिन ये जो खाद है इसको हम मंथली बेसिस पर देते रहते हैं दोस्तों। केवल तब रुकते हैं जब सर्दी में, दिसंबर और जनवरी के महीने में
हमारा बहुत ज़्यादा सर्दी होती है क्योंकि जड़ें इनएक्टिव हो जाती हैं और कुछ एब्जॉर्ब नहीं करती। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और तो और जीरो कॉस्ट, कोई इसमें नहीं लगा है दोस्तों, मुश्किल से 2 रुपए की ये चाट लगी है। अगर हम 4 चम्मच उसकी बात करें एनपीके की, 4 चम्मच एनपीके की बात